शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा कर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र एक एक महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी कि 7.5 ही तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 ही के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 ही के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में भी सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से तेज दौड़ा। तेज के दौड़ने के कारण राजा को घोड़ा दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास की नगरी में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने की उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा और एक संदेह
राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते कूटे ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हांकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने अब सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी, मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ ने राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस घूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में श्रेष्ठ है। सर प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजन समाभांश रवि पुत्र यमाग्रजनम छाया मातरंड संभूत नमामि शनेश्वरम। भगवान शनिदेव की जय।